हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। और एक उम्मीद मैं आज आपके सामने और लगा के आया हूँ आज की क्लास लेने के लिए कि आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का असाइनमेंट डीपीपी और सीपीपी, सीपीपी तो आप लोगों के बैच में नहीं मिला लेकिन आप लोगों में असाइनमेंट और डीपीपी मिलता है, तो आप लोगों ने असाइनमेंट और डीपीपी कंप्लीट कर लिया होगा। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। लेक्चर आज थोड़ा संडे में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, बट कोई नहीं। नमन, शुभी, अंकित, वंदना, कृष्णा, आर्यन, संजना, जरीन, अनिकेत, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी लाइव आते जाइए। जल्दी जल्दी लाइव आते जाएंगे। वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है आप तक? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या वॉइस मेरी ऑडिबल है? वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कोई ग्लिच? अगर है तो सबसे पहले जल्दी से कमेंट बता करके बता दीजिए आप लोग। और अगर सारी चीजें स्मूथ हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करें अपना आज का लेक्चर। आज बेसिकली अपना मोल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज का लेक्चर जो रखा गया है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग डे की तरह रखा गया है। तो जो भी बेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है मोल कॉन्सेप्ट में वो हम डिस्कस करेंगे। आपके डीपीपी और असाइनमेंट में कुछ डाउट्स हैं तो वो डिस्कस करेंगे। आप में से एक दो बच्चों का मैसेज भी आया मेरे पास कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी इस लेक्चर में शामिल किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। वॉइस और वीडियो में कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी लाइव आते जाइए। और भी बाकी सभी जल्दी से लाइव आ जाइए, किसी का भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ यूनिक प्रॉब्लम करने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं या जो एक दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं वैसे क्वेश्चन। हालांकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने जितने पढ़े हैं उनसे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, बट फिर भी हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डे जरूर रखना चाहिए जिससे कि हमारे जितने भी डाउट्स हों उस दिन वो क्लियर हो सके। ओके, तो आई थिंक बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और भी जल्दी से लाइव आते जाइए सभी लोग। तो स्टार्ट किया जाए अपना आज का लेक्चर। चलिए, तो लेक्चर नंबर 19, मोल कॉन्सेप्ट का आखिरी दिन। ओके, इसके बाद से अगले टर्न से हम लोग पीरियोडिक टेबल शुरू करने वाले हैं, तो अगले लेक्चर से हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। आज का मोल कॉन्सेप्ट का आखिरी दिन है और आज संडे के दिन में आप लोगों को जितना भी केमिस्ट्री में पुराना बैकलॉग है, जितने भी असाइनमेंट डीपीपी पेंडिंग है, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप वो सारे लगा लीजिएगा, कुछ भी पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए। ओके, तो नए लेक्चर की शुरुआत नए तरीके से करेंगे हम लोग ट्यूसडे को। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज 0.214 ग्राम कैलोरी पर ग्राम, द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बट इसके पीछे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया पहला क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अगर मुझे किसी एलिमेंट का स्पेसिफिक हीट दिया जाएगा कैलोरी पर ग्राम में, नहीं है तो उसको कैलोरी पर ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे,
कैलोरी पर ग्राम यूनिट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैलोरी पर ग्राम यूनिट हमारी इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक मास क्या होगा, एनी आइडिया? तो इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू होता है 6.4, एंड दिस इज ओनली फॉर सॉलिड मेटल, सॉलिड मेटल के लिए ही लगता है ये फॉर्मूला। एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। तो देखिए, एटॉमिक मास ए मान लेते हैं और स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट अपने को गिवन है 0.214, ओके, इज इक्वल टू 6.4। तो इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी अब आपकी 6.4 डिवाइडेड बाय 0.214, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कौन सा आंसर आ रहा है बताइए, कौन सा आंसर आ रहा है? 6.4 डिवाइडेड बाय 0.214, ये आपका आंसर नियर बाय 30 आना चाहिए। चेक कीजिए जल्दी से, नियर बाय 30, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये, फॉर्मूला एक आप जरूर अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले को, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर सॉलिड मेटल, ओके, और यहां पर स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में होनी चाहिए। नोट कर लिया सभी ने? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द केमिकल एनालिसिस ऑफ अ गैस शोज दैट इट कंटेन वन एटम ऑफ कार्बन फॉर ईच टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। इफ द डेंसिटी ऑफ द गैस इज 1.25 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी, द फॉर्मूला ऑफ द गैस इज, द फॉर्मूला ऑफ द गैस इज। आज के लेक्चर में क्वेश्चन मॉडरेट भी रहेंगे और डिफिकल्ट भी रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए, और ध्यान से देखना है आज का लेक्चर में, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पता होगा। अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन हैं तो ये थोड़े से मॉडरेट हैं, धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखिए, एक केमिकल एनालिसिस में, इस केमिकल एनालिसिस में जो गैस शो हो रही है उस पर एक कार्बन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी CH2 टाइप का इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, और डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी, एट एसटीपी। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2, तो यहीं पर हम एम्पेरिकल वेट भी निकाल लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? 14। अब देखिए, डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर एमएल ही है ना, ग्राम पर लीटर है, सॉरी 1.25 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी। तो देखिए, इसका मतलब हुआ कि एक लीटर में 1.25 ग्राम गैस है हमारे पास, और एसटीपी का मतलब होता है 22.7 लीटर। तो 22.7 लीटर में कितना गैस होगा? तो 1.25 इंटू 22.7, इतने ग्राम गैस होगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल गैस बन गया होगा कि नहीं? और सोचिए, 1 मोल गैस का जो मास होगा, क्या ये मोलर मास के बराबर नहीं होगा? तो ये तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया। क्लियर हो रहा है आपको? अब जब ये मोलर मास आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला होल एन होल एक्स, यही बताया था आपको। और तो ये एन कैसे आ जाएगा? ये एन मोल नहीं है, ये इंटीजर है, तो ये आ जाएगा मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट।
ये सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा और इसको इस n नंबर का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब जल्दी से बताइए मुझे n कितना आ रहा है यहां पर, यहां पर n कितना आ रहा है, थोड़ा फास्ट रिप्लाई कीजिएगा। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.25 इंटू 22.7 डिवाइडेड बाय 14, कुछ इंटीजर में आना चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ। जल्दी बताइए कितना आ रहा है, कितना बन रहा है, किसी का आंसर आ रहा है, किसी का आंसर आया, 1.25 इंटू 22.7 डिवाइडेड बाय 14। हाँ अरे भाई जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्या, सुस्त सब दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों, सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखिए कितना बन रहा है, 2K आसपास बन रहा है, चलिए आंसर आ गया 2K आसपास बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये n की वैल्यू 2K आसपास बन रहा है तो इसका मतलब हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, CH2 का डबल यानी कि C2H4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, यहां पर C2H4 यानी B ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके 2 के आसपास आ रहा होगा, वो राउंड ऑफ कर दीजिएगा उसको, तो वो 2 ही बन जाएगा, इंटीजर में ही लेना है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला तो नहीं बना सकते हैं, मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला कि अपने को राउंड ऑफ कर लेना है ना। C2H4 इज द राइट आंसर। ओके अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आना चालू हो गए। अब आप देखिए यहां से क्वेश्चन अगर सिंपल भी होगा तो थोड़ा सा आपको क्या कर रहा होगा, कंफ्यूज कर रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 3.12 ग्राम ऑफ अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई बेसिक एसिड, ये डाई बेसिक एसिड क्या होता है, डाई बेसिक एसिड का मतलब है जिसका एन फैक्टर 2 हो, जैसे H2SO4, H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, 2, क्योंकि ये 2H+ आयन रिलीज करेगा। ओके तो जिसकी एसिड में क्या देखते हैं, बेसिसिटी, तो जिसकी बेसिसिटी 2 होगी उसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। ओके उसका सिल्वर सॉल्ट बना लिया, उस सिल्वर सॉल्ट का मास दे रखा है 3.12 ग्राम, फिर क्या कह रहा है, व्हेन इग्निटेड फॉर्म्ड 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर, उसको हीट करने पर मुझे 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर मिलता है। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड, एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, सॉल्ट का नहीं पूछ रहा है, एसिड का पूछ रहा है। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ओके तो देखिए क्या करना है अपने को, मैं मान लेता हूं कि H2X नाम का हमारे पास कोई डाई बेसिक एसिड है, ये H2X नाम का हमारे पास कोई डाई बेसिक एसिड है, इसका सिल्वर सॉल्ट, इसका सिल्वर सॉल्ट का मतलब H निकल जाएगा तो ये बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट Ag2X, ये आ गया हमारे पास सिल्वर सॉल्ट, इस सिल्वर सॉल्ट का मास मुझे पता है 3.12 ग्राम, जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये मुझे 2Ag दे देगा, ये मुझे 2Ag जो देगा उसका वेट भी मुझे गिवन है 2.16 ग्राम। अब देखिए रिएक्शन क्या होगी, पहली चीज तो ये कि अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, अगर ये Ag2X है तो 2Ag तो पक्का है कि देगा ही देगा, है ना,
अब ये X उस H के साथ मिलके HX भी बना सकता है अगर वो हुआ, लेकिन सिल्वर सॉल्ट जैसा कि बोला जा रहा है पहले ही बन गया तो बाद में X अलग हो जाएगा, बाद में ये X अलग हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर दी है मैंने ताकि अपने को बार बार सवाल को ना पढ़ना पड़े। ओके, अब अपने को बताना है इसका मॉलिक्यूलर वेट। मुझे जो निकालना है मॉलिक्यूलर वेट वो किसका निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस। ओके, तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है एसिड का। अब देखिए एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को निकालना है तो इन दोनों के डेटा की हेल्प लेते हैं, इसका मास गिवन है और इसका भी मास गिवन है। तो या तो मेरे पास दो मेथड है सॉल्व करने के, या तो मैं यहां पर मोल अपॉन स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशियंट लगा लूं, लेकिन ऐसी जगहों पर मोल अपॉन स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशियंट यानी मोल से सॉल्व करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है क्योंकि अपने को रिएक्शन पूरी तरह से नहीं मालूम है। ओके, तो एक तरीका यह हुआ कि अगर मुझे रिएक्शन मालूम है तो मोल अपॉन स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का लगा लेंगे, उससे क्या होगा, उससे मुझे एक्स का मोलर मास मिल जाएगा, एक्स का एटॉमिक मास मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा, एक्स का मोलर मास मिल जाएगा तो फिर मैं एसिड का भी बता दूंगा। दूसरा तरीका यह है कि रिएक्शन कुछ भी हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहां तक कि टू लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा इससे यह बना तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर लूं, मैं बराबर कर लूं, इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को मैं बराबर कर लूं, एक तरीका यह है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करता हूं जो कि एक सबसे सेफ मेथड है, तो ये Ag2x से Ag बन रहा है। Ag2x मेरा कितना था, Ag2x 3.12, ये 2.16, 3.12 ग्राम और ये 2.16 ग्राम। हालांकि इसी सवाल को अगर आप मोल वाले से भी सॉल्व कर देंगे तो भी आ जाएगा, बट मैंने बताया ना जहां पर आपको रिएक्शन पूरी ना पता हो ऐसे में रिस्की हो सकता है। ओके, तो देखिए यहां पर अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag2x इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag के बराबर कर दूं, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोल इनटू एन फैक्टर में लगा लूं, तो 3.12 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना होगा, Ag का होता है 108, तो 108 इंटू 2 कितना हो गया 216, और x के मोलर मास को मैं x ही मान लूं या कुछ भी मान लीजिए, अपना नाम लिख दो यार उसमें क्या है, ठीक है, प्लस x, तो ये हो गए मोल और इसका n फैक्टर, ये सॉल्ट है Ag पर प्लस 1 चार्ज आएगा तो 2Ag है तो प्लस 2 चार्ज। सॉल्ट में n फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 2। ओके, इज इक्वल टू इसके मोल 2.16 डिवाइडेड बाय 108 इनटू इसका n फैक्टर, तो सिल्वर एलिमेंट है और एलिमेंट के केस में वैलेंसी इज द n फैक्टर, तो Ag की वैलेंसी 1 है। ओके, हालांकि अगर मैं यहां पर मोल कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करता, ये क्या था मेथड 1 जो कि मैंने बिल्कुल सेफ साइड में चला, ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से मैं आपको यह बता रहा हूं। अगर मैं यहां पर मेथड 2 से चलता, मेथड 2 क्या है मोल कॉन्सेप्ट, अगर मैं इससे चलता तो Ag2x ये हीट करने पर आया 2Ag, हीट करने पर क्या आया 2Ag। ओके, अब मुझे सिर्फ इन दोनों की ही तो मदद से डेटा सॉल्व करना है तो मैं बाकी सबको लिखूं भी क्यों, 3.12 ग्राम और ये 2.16 ग्राम, तो देखिए यहां पर मोल 3.12 अपॉन मोलर मास, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो यही रहेगा 216 प्लस एक्स अपॉन इसका स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशियंट, तो इसका स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशियंट क्या है 1 इज इक्वल टू 2.16 डिवाइडेड बाय 108
अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ध्यान से देखिए, यही टू तो वहां गया है मल्टीप्लाई पर, यानी दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर हुआ? चलिए यहां से आप मेरे को x निकाल के दिखाइए, x कितना आ रहा है। यहां से आप मुझे x बताइए, x की वैल्यू। बिल्कुल सही, x की वैल्यू 96। अब देखिए होता क्या है, जब हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है तो इस खुशी से हम फूले नहीं समाते हैं। अब x 96 आया और कई बार हड़बड़ाहट में हम लोग क्या करते हैं, अरे 96 तो आंसर है, लगाओ टिक। लेकिन ये x आया है, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड में देखिए H2X है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 और ऐड कर देंगे, दो हाइड्रोजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98। ओके? तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, 98। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2X 96 + 2 = 98। क्लियर हुआ? तो आप इसको मोल कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं और आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। अगर कभी भी आपको रिएक्शन में थोड़ा भी डाउट है तो आप मोल कॉन्सेप्ट से मत लगाना, आप ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ही लगाना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट वहां यहां पर जब आएगा जब आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सही हो तभी आंसर सही आएगा। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग जो बराबर करते हैं, ये तभी करते हैं जब हमारा रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो। अगर ये बच रहा होगा तो कभी भी नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल कराए थे, और वहां पर किसी रिएक्शन में हम लोग कैसे निकालते थे लिमिटिंग रिएजेंट, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके ही तो देखते थे कौन छोटा है। तो अगर मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर होता तो फिर छोटा कैसे पता चलता, यानी कि मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बराबर हम कब कर सकते हैं, जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो। ओके? तो इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट ज्यादा बेटर है ऐसी जगहों पर। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये आई थिंक आपके डीपीपी में भी होगा ये सवाल, और ये मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाया है। फॉर 2N2O5 4NO2 में जाता है प्लस O2 में जाता है एट टाइम टी बराबर 0, मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ N2O5 ओनली इज प्रेजेंट। ओके, ठीक है। एट टाइम टी बराबर 2T0 N2O5 स्टार्ट डीकम्पोजिंग, यानी कि टाइम टी बराबर 0 पे और टाइम टी बराबर 2T0 से पहले तक N2O5 हमारा डीकम्पोज नहीं हो रहा। जैसे ही टाइम 2T0 आता है N2O5 डिकम्पोज होना चालू होता है। एट टी बराबर 4T0 द वेट ऑफ O2 वॉज फाउंड टू बी 16 ग्राम। सेलेक्ट द करेक्ट वन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये अपने को चूज करना है। क्या आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व की तो ये आपको क्वेश्चन मिला होगा डीपीपी या असाइनमेंट में। कितने लोगों को आंसर मालूम है, कितने लोगों को आंसर मालूम है इसका? चलिए देखते हैं डीपीपी कितने लोगों ने सॉल्व की है, डीपीपी असाइनमेंट कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है बताइए। इसका आंसर किसी का आ रहा है, किसी का आंसर आया है इसके, इस क्वेश्चन के लिए? अच्छा सवाल है, क्वेश्चन तो अच्छा है, आज की क्लास में सब अच्छे ही अच्छे क्वेश्चन तो लगवाने हैं मुझे, ताकि आपको बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट में परफेक्शन आ जाए। यहां तक किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट पिछले क्वेश्चन को लेकर? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई,
इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, किसी ने नहीं सॉल्व किया। अरे इसका मतलब सभी का डाउट है ये, फिर भी आप लोग पूछते नहीं है क्वेश्चन। चलिए खैर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहले तो यही रिएक्शन उठाते हैं, 2N2O5 गया 4NO2 प्लस O2 में, ओके, और टाइम टी बराबर 0 पे 2 मोल है। चलिए ठीक है, ये सारा डेटा हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। N2O5 गया 2NO2 प्लस O2 में, ठीक है, N2O5 2NO2 प्लस O2, अच्छा डबल कर दिया होगा, हाफ है यहाँ पर, हाफ आएगा तो यहाँ पर डबल कर दिया, ठीक है, 2 यहाँ कर लीजिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब तो बैलेंस हो रहा है, 4 नाइट्रोजन 10 ऑक्सीजन, ठीक है, टाइम टी बराबर 0 पर इसके 2 मोल है, टाइम टी बराबर 0 पर इसके 2 मोल है, और टाइम 40 नॉट पे कुछ गिवन था डेटा, टाइम टी इज इक्वल टू 40 नॉट पे वेट ऑफ O2 16 ग्राम है, ठीक है, ये डेटा और साइड में लिख लेते हैं, एट टी इज इक्वल टू 40 नॉट डब्ल्यू ऑफ O2 इज इक्वल टू 16 ग्राम, ये अपने काम आएगा ये रिलेशन। तो इसका मतलब यहां पर टाइम टी नॉट 2T0, 4T0 ऐसे करना है। अच्छा एक इंफॉर्मेशन ये भी बोली गई है कि 2T0 तक यहां रिएक्शन चालू ही नहीं हुई है ना, तो 2T0 तक कोई रिएक्शन चालू नहीं हुई, 2T0 से पहले 2T0 पे ये डिकम्पोज होना चालू हुआ, स्टार्ट हुआ जस्ट, तो टाइम टी बराबर हम T0 ना लेकर बल्कि 2T0 से चालू करते हैं। जब टी नॉट ले लेंगे तो देखिए कोई फायदा तो है नहीं, फिर से मैं यही लिखूंगा 2 मोल थे तब ये 0-0 मोल थे, तो इसका मतलब अगर ये 2 मोल था तो ये 0-0 मोल था, तो टी नॉट पे भी यही था, क्योंकि ये रिएक्शन स्टार्ट कहां से हो रही है, 2T0 पे, तो 2T0 पर ये रिएक्शन कैसे चालू होगी, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशियंट, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चल रहा हूं कि स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशियंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देखिए इसकी स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशियंट है 2:4:1, यानी ये किस रेशियो में आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2:4:1, यानी अगर मैंने यहां पर 2 - 2x किया, मैं x भी कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो यही आना चाहिए, अगर मैंने यहां पर 2 - 2x किया तो यहां कितना बन जाएगा, उसी रेशियो में इसका डबल 4x, और उसी रेशियो में इसका आधा जितना यहां डिकम्पोज हुआ है उसका आधा यहां बनेगा, यानी कि x। इस चीज को अगर आप समझ ले गए तो आप यकीन मानिए आपको मोल कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको इसके आगे के चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आता है केमिकल काइनेटिक्स में भी और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, तो ये सारी बातें वहां पर भी काम आएंगी। मैंने बताया ना मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में जिसका कुछ ना कुछ पार्ट हर जगह यूज हो रहा है, इसीलिए सबसे पहले यही चैप्टर स्टार्ट करता हूं। इवन 12th पास आउट में भी मैंने मोल कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि बिना उसके फिजिकल केमिस्ट्री नहीं सिखाई जा सकती। यहां तक कंप्लीट हुआ, तो ये मोल के टर्म्स में चल रहा है भाई, ठीक है। अच्छा 2T0 के बाद मैं इसमें एक और टाइम ले लेता हूं 40 नॉट, तो 40 नॉट पे क्या होगा, ये और कम हो जाएगा उसी रेशियो में, तो जैसे यहां से मैंने 2 - 4x कर दिया, तो बताइए यहां इसका डबल क्या हो जाएगा, 8x, और यहां इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2x, ऐसे आने लगेगा। और ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे जरा मैं ऑप्शन देखूं तो 40 नॉट पे बात की गई है, अच्छा एक 50 नॉट पे भी बात की गई है, तो मैं देख लूंगा 40 नॉट तक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो 50 नॉट भी हम ले आएंगे, ठीक है। एक एक करके मेरे को सारे स्टेटमेंट यहां पर वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो टी नॉट पे बात की जा रही है, 3T0, 50 नॉट और 40 नॉट पे बात की जा रही है, चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब उस डेटा को उठाओ, 40 नॉट पे डब्ल्यू ऑफ O2 कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम, तो ये रहा 40 नॉट और ये रहा O2, ये है मोल, तो 2x तो हो गए मोल, इनटू इसमें मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं 32, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 16 2 जा तो x इज इक्वल टू आ गया 1/4, ये देखिए x की वैल्यू आ गई,
ये एक्स की वैल्यू आना चालू हो गई। तो क्या यहां पर हम सारे मोल्स निकाल चुके हैं? अब एक्स की वैल्यू आ गई यानी सब कुछ निकाल लिया। चलिए एक एक करके अब वेरीफाई करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट अपने को बोला गया है, टाइम टी बराबर टी नॉट पे वेट ऑफ N2O5 इज लेस देन 216 ग्राम। चलिए चेक करते हैं क्या ये बात सही है। N2O5 का मोलर मास क्या होता है? तो N2O5 का मोलर मास 28 प्लस ये 16.5 जा 80, तो ये कितना बन गया 108 ग्राम, है ना, 108 ग्राम। अब 2 मोल है, टाइम स्टार्टिंग से ही 2 मोल लिया गया, तो इंटू 2 क्या मतलब क्या हो गया 216 ग्राम। अगर ये 216 ग्राम टाइम टी बराबर 0 पे था और टाइम टी बराबर 2t0 से डिकम्पोज हुआ, इसका मतलब N2O5 का मास 2t0 से पहले तक कितना रहेगा 216 ग्राम। ये क्या कह रहे हैं, टाइम टी बराबर t0 पे वेट ऑफ N2O5 इज लेस देन 216 ग्राम। अरे भाई t0 पे तो रिएक्शन ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर हुआ? चलिए अगले स्टेटमेंट में आते हैं। अगला स्टेटमेंट 3t0 को लेकर है, लेकिन हमने तो सॉल्व नहीं किया है। चलिए देखते हैं, टाइम टी बराबर 3t0 पर वेट ऑफ NO2 इज लेस देन 95 ग्राम। क्या चेक करते हैं क्या ये बात सही है, टाइम टी बराबर 3t0 पर वेट ऑफ NO2 इज लेस देन 95 ग्राम। अच्छा एग्जैक्टली कितना है वो ये भी नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, तो हम 2t0 और 4t0 पे चेक कर लेते हैं NO2। 2t0 पर और 4t0 पर NO2 को चेक कर लेते हैं। एट टी बराबर 2t0, एट टी बराबर 2t0, तो एन ऑफ NO2, मोल्स ऑफ NO2, मोल्स ऑफ NO2 कितना है 4x। 4x का मतलब 1 मोल, क्योंकि x की वैल्यू 1/4 आ गई। अच्छा अब यहां पर अगर मैं NO2 का मास निकालूं, मोल तो आ गया है, तो W ऑफ NO2 कितना होगा, तो मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 32 और साथ में 14, 32 और 14 कितना हो गया, 32 और 14 46 ग्राम हो गया। ठीक है, अब आते हैं एट टी बराबर 4t0 पे, 4t0 पे इसके मोल कितने हैं, 4t0 पर एन ऑफ NO2, मोल्स ऑफ NO2 है 8x, यानी इसका जस्ट डबल, तो इसका जस्ट डबल का मतलब हो गया 2 मोल, और 2 मोल होगा तो इसका वेट कितना होगा, तो 46 का भी डबल कितना हो गया 92 ग्राम। बोलिए सवाल में मुझे बोला गया कि 3t0 पर वेट ऑफ NO2 इज लेस देन 95 ग्राम। 3t0 पर देखिए जब रिएक्शन चालू होगी ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका वेट बढ़ेगा। 4t0 पर इसका वेट कितना है, 4t0 पर इसका वेट कितना है, 4t0 पर इसका वेट आ रहा है 92 ग्राम, जो कि 95 से कम है 4t0 पे, तो 3t0 पे क्या होगा 95 से तो कम ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि 95 ग्राम से कम होगा, कितना होगा ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं है और हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट उतने से तो क्लैरिफाई हो ही रहा है। अगर मुझे ऐसे दो ऑप्शन मिले जो कि पॉसिबिलिटी होगी, तब मैं आगे चेक करूंगा 3t0 लगाकर। ओके, अभी के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पॉसिबल हो सकता है, यस पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। टाइम टी बराबर 5t0 पर वेट ऑफ N2O5 इज मोर देन 108। टाइम टी बराबर 5t0, तो जरा चेक करिए 5t0, टाइम टी बराबर 5t0 पर, तो 4t0 पे N2O5 कितना है, 4t0 पे N2O5 एट 4t0 मोल्स ऑफ N2O5, मोल्स ऑफ N2O5 4t0 पे हैं 2 - 4x, यानी कि 1 मोल, और अगर ये 1 मोल होगा तो इसका मतलब इसका वेट होगा 108 ग्राम। अब जैसे जैसे 4t0 के बाद हम 5t0 पर आएंगे, इसका वेट 108 से और कम होगा, जबकि पीछे स्टेटमेंट में दिया है मोर देन 108, ऐसा कैसे हो जाएगा,
टाइम के बढ़ने से तो रिएक्टेंट का अमाउंट और कम होगा, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, अब आते हैं चौथे स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। 40 नॉट पे टोटल मोल्स 2.5 आ रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। 40 नॉट ये है, इसके मोल आ गए 1, 8x का मतलब मोल आ गए 2 और 2x का मतलब मोल आ गए 0.5, तो ये कितना हो गया भाई, 3.5 हो गया ये तो, और अगर ये 3.5 हो गया तो पीछे तो बोला गया है 2.5, इसका मतलब ये भी गलत है। अब बताइए, तीन स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है, एक ही बचा, क्या वेरीफाई करने की जरूरत है और आगे तक? तो ये तो वेरीफाई हो ही गया है कि 95 से कम आ रहा है, और ये तो वेरीफाई करना ही नहीं था कि कितना आ रहा है, क्योंकि कितने के लिए तो बोला ही नहीं गया है, जो लिखा है बिल्कुल सही है, 95 ग्राम से कम है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। थोड़ा लेंथी सवाल था, बट आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? वीडियो लैग कर रहा है, एक दो बच्चों का ये डाउट है, क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? और बाकी लोग भी बताइए। वैसे मेरे सामने मोबाइल पे जो स्क्रीन आ रही है, इस पे तो कुछ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइए, मे बी पॉसिबल नेट इश्यू हो, तो आप एक बार अपना वाला भी इंटरनेट कनेक्शन जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी किसी और का कोई डाउट नहीं आया है। क्या अभी सारी चीजें क्लियर हैं? यश और वंदना, क्या अभी सब कुछ क्लियर है? क्या अभी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं आ रहा, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए, किसी स्टेप में कुछ ना समझ में आया हो। थोड़ा लेंथी सवाल था, क्योंकि इसमें ऐसे सवाल थोड़े गंदे टाइप के होते हैं, क्योंकि ये एक सवाल नहीं है, चार सवाल होते हैं, हर बार एक एक स्टेटमेंट को क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना होता है। जितने भी हमारे 12th पास आउट वाले स्टूडेंट हैं, अगर वो ये वीडियो कोई देख रहे हैं, वैसे तो अब 11th क्लास में 11th का ही लेक्चर जाता है और 12th पास आउट में मूल कॉन्सेप्ट अलग से चल ही रहा है, बट देखिए जितने भी स्टूडेंट 12th पास आउट वाले हैं, या आप सभी 11th वाले भी जिनको पेपर देना रहेगा आगे चल के, आज नहीं देना है आगे तो देना ही है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए भी ना पेपर में तो स्किप कीजिएगा। ये सवाल तब करना है जब लास्ट में टाइम बचे। बिल्कुल, पेपर में मार्क्स लाना आर्ट है। इस सवाल को करने के बाद अच्छी चीज है कि हमें फील होता है, अच्छा फील होता है कि यार हमने ऐसा सवाल भी बनाया। लेकिन देखिए, जिस दिन आपका एग्जाम डे है ना, उस दिन आपसे कोई ये पूछने नहीं आ रहा है कि तुमने यार इस वाले पेपर में ये वाला सवाल सॉल्व किया था, ये वाला तो बहुत अच्छा था, तो उसके 10 नंबर नहीं मिलेंगे, उसके भी 4 मिलेंगे। और अगर कोई आप सिंपल सवाल सॉल्व करेंगे तो उसके भी 4 नंबर मिलेंगे। तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में जो आपको क्वेश्चन आते हो और जो आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाता है। ओके, अब लेंथी है, पता चला इतने ही टाइम में आप 2 सवाल और सॉल्व कर सकते थे जो कि सिंपल सिंपल थे, तो आपको 8 नंबर मिल जाते, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, हाँ टाइम बच गया और आता भी है तो यार किसने मना किया है सॉल्व नहीं करेंगे, फिर तो जरूर करेंगे सॉल्व। ओके, चलिए, अभी कोई स्टेटमेंट में कोई डाउट है? वंदना, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, तो जो स्टेटमेंट आपको ना समझ में आया हो वंदना, जल्दी से आप पूछ लीजिए फिर, वो जिस टाइम में दिक्कत कर रहा था तो उस टाइम पे जिस स्टेटमेंट को मैं समझा रहा था, अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो जल्दी से अपना डाउट पूछ लीजिए फिर। ये डाउट पूछने का काम थोड़ा जल्दी किया कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद काफी वेट करना पड़ता है आप लोगों के रिप्लाई का, जिस वजह से टाइम बेकार होता है। तो उस टाइम को आप मेरा सेव करा सकते हैं, जल्द से जल्द अपना डाउट पूछकर, और अगर कोई डाउट नहीं है
तो एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर मैसेज लिख सकते हैं ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे जल्द से जल्द बढ़ा करूं। ये आप लोग क्लास में भी किया कीजिए, जब हमारी क्लास चलती है 7:30 to 8:30, इसीलिए थोड़ा टाइम आगे चला जाता है क्योंकि आप लोगों के रिप्लाई का इंतजार करता रहता हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ूं, और इस चक्कर में क्या होता है 10-15 मिनट हर क्लास में चले जाते हैं, तो वो टाइम अपना भी और आप मेरा भी सेव कर सकते हैं जल्द से जल्द रिप्लाई करके। ओके, तो कोशिश किया कीजिए कि आप जल्द से जल्द रिप्लाई करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। अ पॉलीस्टायरीन हैविंग अ फॉर्मूला, अब बड़ा भयानक सा नाम है, पॉलीस्टायरीन हैविंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, Br3C6H13C3H8n, ये है फॉर्मूला पॉलीस्टाइरीन का। ओके, ये पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, ये स्टाइरीन का पॉलीमर है। स्टाइरीन क्या होता है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं, हालांकि क्वेश्चन में सॉल्व करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बेंजीन बनाइए और बेंजीन के ऊपर आपको लिखना है CH double bond CH2, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। फॉर्मूले मैं आपको स्टार्टिंग से डे वन से बोलता आ रहा हूं कि फॉर्मूलों को जरूर नोट करें, केमिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, तो ये केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम और कॉमन नेम करके तीन कॉलम बोले थे मैंने आपको बनाने के लिए, तो आप वो जरूर बनाइए। स्टाइरीन का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें जो बोला जा रहा है वो सब हमारे काम का नहीं है। बेंजोइल परऑक्साइड जब ऑर्गेनिक आएगा तो आप लोग वो भी सीख रहे होंगे जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में बढ़ेंगे, बट जो सिंपल फॉर्मूले जैसे स्टाइरीन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये फॉर्मूलों को लेकर जो मैंने आपको बोला था आप अपने नोट्स में लास्ट के पेजेस में तीन कॉलम करके जरूर बनाइए। अगर कॉमन नेम मिलता है तो कॉमन नेम लिखिए, अदरवाइज केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला तो जरूर लिखना है। ये फॉर्मूलों को ही लेकर मैंने कल एक वीडियो भी पोस्ट किया, दो वीडियो पोस्ट किए हैं ओर्स ऑफ मेटल, उनको भी आपके ग्रुप में भी सेंड किया हुआ है। हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ना जाने कितने सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी वो ओर्स ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में मेटलर्जी में पूछा जाएगा, लेकिन देखिए जिस तरह से आप लोग 11th क्लास में KVPY का एग्जाम भी देंगे 11th क्लास में, तो उन सब में भी आ सकता है। और ये ऐसा टॉपिक था ओर्स ऑफ मेटल जो कि हर एग्जाम में हर लेवल पे पूछा जाता है, इवन 8th क्लास के बच्चे को भी थोड़े बहुत ओर्स पता होने चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ओर्स का कलेक्शन करके वो सारा दो पार्ट में इसीलिए उसको स्प्लिट किया और वो वीडियोस में रखा है, उसको जरूर पढ़िए और उसमें से जितने भी ओर्स ऑफ मेटल हैं उन सबको आप लिख लीजिए और अभी से लर्न करना चालू कर दीजिए, ताकि जब मैं आपसे 12th क्लास में मेटलर्जी वाले चैप्टर में मिलूं तो हमें इतना कुछ याद करने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, तो ओर्स ऑफ मेटल वो भी लर्न करिएगा और वो भी अपने कॉपी के बैक साइड में इसी तरह से बनाते जाइएगा, ओर्स ऑफ कॉपर सिल्वर लेड। चलिए सवाल पे आते हैं जल्दी से, पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मूला गिवन है, वॉज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग स्टाइरीन विद ट्राइब्रोमो बेंजोइल परऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इतनी लाइन से आपको सिर्फ ये उठाना है, बाकी कुछ भी आपके काम का नहीं है। ओके, इट वॉज फाउंड टू कंटेन 10.41% ऑफ ब्रोमीन बाय वेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब आप सुनिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पॉलीस्टाइरीन जिसका फॉर्मूला है Br3C6H13C3H8n, ये है पॉलीस्टाइरीन, और इससे इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन,
जो कि मुझे फॉर्मूले में साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें ब्रोमीन जो प्रेजेंट है वो है 10.41%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये 100 ग्राम अगर ये पॉलीस्टाइरीन है तो उसमें 2.41 ग्राम क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 80। अब इसको भी नोट कीजिए, और साथ ही साथ जो लोग नोट कर चुके हैं वो जल्दी से इसका मोलर मास निकाले, इसका मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाते वक्त एक सवाल कराया था अमोनियम फॉस्फेट वाला, और उस अमोनियम फॉस्फेट में भी कुछ ऐसा ही बताया था मैंने कि अमोनियम फॉस्फेट में इतने मोल और एटम ऑफ हाइड्रोजन हैं तो बताओ ऑक्सीजन एटम कितने रिएक्ट करेंगे, याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक उसी सवाल का एडवांस वर्जन ये है और कुछ नहीं है। स्टूडेंट को डराने के लिए सबसे पहले ये स्टार्टिंग की दो लाइनें लिख दी गई जिससे स्टूडेंट डर जाए, अरे यार पॉलीस्टाइरीन आ गया, बेंजोइल परऑक्साइड आ गया, रिएक्शन क्या होगी, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं है, और पेन छोड़ दे, बाकी इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, तो इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। अपने को सीधा ये रिलेशन यूज करना है कि 100 ग्राम में इतने ग्राम ब्रोमीन है। अब आप जल्दी से मुझे इसका मोलर मास निकाल के बताओ, इसका मोलर मास, क्योंकि जब तक इसका मोलर मास नहीं दोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आगे। ओके, तो इस पॉलीस्टाइरीन का मोलर मास क्या आ रहा है जल्दी से बताइए। ओके, यश ने बताया मेरे तक मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है। अच्छा ठीक है भाई, हाँ वो थोड़ा सा लाइव में और आप तक में क्या होता है, एक लैग होता है 8-10 सेकंड का, तो ये टाइम होता है, बट 8-10 सेकंड होता है यार, मैं एक एक मिनट तक बोलता रहता हूँ, कुछ समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए ना। चलिए, पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मूला मोलर मास 325+44N बताया है किसी ने, एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए, अनिकेत ने बताया है ये 325+44N, क्या कोई गलती तो नहीं है इसमें, ये चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, रिलेशन ढूंढिए, रिलेशन क्या है, 325+44N आ रहा है ना आपका, तो देखिए 325+44N ये मोलर मास आया, तो क्या आप इतने ग्राम पॉलीस्टाइरीन को बता सकते हैं? एक मोल में होगा, इतने ग्राम पॉलीस्टाइरीन में, इतने ग्राम पॉलीस्टाइरीन में कितने बीआर थे? 3, तो इसका मतलब 3×80 ग्राम क्या था? ब्रोमीन। है ना, रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, कि इतने ग्राम पॉलीस्टाइरीन में 240 यानी 240 ग्राम ब्रोमीन था, तो यार 100 ग्राम के पॉलीस्टाइरीन में कितना ब्रोमीन होगा? तो 3×80×100/325+44N, 100 ग्राम के पॉलीस्टाइरीन में कितना ब्रोमीन होगा, मिल गया मुझे। अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो सब कुछ है, 100 ग्राम के पॉलीस्टाइरीन में कितना ग्राम ब्रोमीन है? 10.41, तो बस बराबर कर दीजिए, इज इक्वल टू 10.41। यहां से आपको क्या सॉल्व हो जाएगा, n की वैल्यू, अब जल्दी से बताइए n कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए n, बताइए n की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, 325+44N ये था, ठीक है इसका मतलब सही है, तो n की वैल्यू क्या आ रही है जल्दी से बताइए। चलिए वेट कर रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन करके मुझे जल्दी आंसर देंगे, कौन सबसे पहले आंसर देता है भाई, देखा जाए अब कौन सबसे पहले आंसर देगा। जल्द से जल्द बताइए,
आंसर एन की वैल्यू क्या आ रही है? एन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एन इज अरे बताते जाओ भाई, एन की वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी बनी एन की वैल्यू? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, अनिकेत का आंसर आ गया है 45। और भी लोग चेक कीजिए जल्दी से, क्या यहां से सॉल्व करने पर एन की वैल्यू 45 आ रही है? एन की वैल्यू 45 आ रही है क्या? टू फोर्टी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय 10.41 माइनस का 325, ये तो हो गया 44N और फिर डिवाइडेड बाय 44, तो N इज इक्वल टू 45 इज द राइट आंसर। 45 आएगा आंसर, चेक कर लीजिए जल्दी से सभी लोग, इसका आंसर 45 आएगा, 45 के अप्रॉक्स, बिल्कुल सही है, 45 के अप्रॉक्स आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 45 ही बनेगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? तो ये पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मूला था, और पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मूला क्या है उससे कोई लेना देना नहीं था, अपने को मोलर मास निकालना था और क्वेश्चन सीधे सॉल्व होना था। अगर इतना भयानक होता, आप सोचिए खुद, रिएक्शन रिएक्शन होती, तो क्या मैं आपको 11th क्लास में क्वेश्चन कराता? 11th में थोड़ी ना कराता, फिर तो मैं आपको 12th के एंड में करा रहा होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया? पूरे मोल कॉन्सेप्ट में सारी चीजें, जो जो मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकती हैं, सब कुछ पढ़ा दिया है। देखिए एक चीज लेकिन ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट करते वक्त अगर आपको इडियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो आप अभी स्किप करेंगे, क्योंकि ये इडियोमेट्री वाले सवालों के लेकर एक अलग से टॉपिक बनाना है पूरा। पिछले साल भी एक अलग से टॉपिक पढ़ाया था, अभी एक दो मिलेंगे, गैसियस स्टेट में ज्यादा मिलेंगे, तो मैं ये सारे टाइप के इडियोमेट्री वाले सवालों को लेकर एक नया टॉपिक बना दूंगा और उस पर लेक्चर और असाइनमेंट शीट दूंगा, वहां पर हम एक साथ सारे सवाल करेंगे। क्योंकि होता क्या है, मोल कॉन्सेप्ट में एक दो क्वेश्चन लगवाया और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ गया, फिर क्वेश्चन और मिलते नहीं है, तो इसलिए इसको लास्ट में करेंगे हम लोग। ओके, तो अभी अगर मोल कॉन्सेप्ट में सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं, सिर्फ आपको इडियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ये इडियोमेट्री वाले सवाल कैसे होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन है, उसको जलाया गया, उसको जलाने पर ये CO2 आया, फिर उस पर KOH डाल दिया गया, या टारपीन ऑयल का यूज किया गया, और इससे बताइए हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को इडियोमेट्री वाले सवाल बोलते हैं। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, यह भी बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सवाल, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? अ सैंपल वॉज एनालाइज एंड रिपोर्टेड टू कंटेन 21% NaOH। ठीक है, एक सैंपल को एनालाइज किया जा रहा है और बाद में रिपोर्ट कर दिया गया कि उसमें 21% NaOH है, बाद में पता चला द बेसिक मटीरियल इज KOH नॉट NaOH, रेदर देन NaOH। ओके, तो रेदर देन NaOH इट इज KOH, फाइंड द परसेंटेज ऑफ KOH इन द सैंपल। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आपके गलत करने के चांसेस भरपूर हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए ऐसा क्या मेथड अप्लाई किया जाए जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ मालूम है,
बस आपको एनालाइज करने की जरूरत है, जैसे सैंपल एनालाइज किया जा रहा है ना, वैसे आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। अगर आप एनालाइज कर ले गए तो सब कुछ अच्छा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सैंपल में 21% NaOH, ठीक है, मतलब कि 100 ग्राम के सैंपल में 21 ग्राम क्या है? NaOH। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो NaOH है ही नहीं, ये तो KOH है। द बेसिक मटीरियल इज KOH rather than NaOH। फाइंड द परसेंटेज ऑफ KOH इन द सैंपल। फाइंड द परसेंटेज ऑफ KOH इन द सैंपल। चलिए जल्दी से बताइए। कितना आंसर आ रहा है? हिमांक ने आंसर किया है आंसर ए। आंसर ए का मतलब 29.4 आप बोल रहे हैं। बाकी लोग भी कैलकुलेट कीजिए और बताइए मुझे क्या होना चाहिए इसका आंसर। अनिकेत का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15%। अच्छा ठीक है, एक अभी तक आंसर आया है ए और एक आया है डी। चेक करते हैं, और ए और डी आया है। क्या किसी का आंसर बी और सी भी आया है? क्या किसी का आंसर बी और सी भी आया है? कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? कैसे सॉल्व होगा? सैंपल में 21% NaOH था, 100 ग्राम में 21 ग्राम NaOH था। बाद में पता चला कि यहां पर रिपोर्टिंग में कुछ गलती हो गई है, वो NaOH नहीं बल्कि KOH है। तो KOH का परसेंटेज बताना है सैंपल में। अब गलती तो एनालाइज करने वाले से की है और सजा हम लोगों को मिल रही है ना कैलकुलेट करके। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पास कोई सैंपल था, ये आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्लास के बाद मैं एक आपको डीपीपी भी दूंगा और वो डीपीपी अभी तक आपको 6 DPP मिली है और असाइनमेंट भी मिले हैं, है ना। तो अगर एक आपको लास्ट डीपीपी मूल कॉन्सेप्ट की और मिलेगी आज या कल में, आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको मिल जाएगी। ओके, तो उसको आप करते रहिएगा वो भी क्वेश्चंस। तो वो इसी तरीके के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि सब्सटेंस की रिपोर्टिंग में भले ही एनालाइज करते वक्त रिपोर्टिंग में गड़बड़ हुई हो, लेकिन जो मोल थे वो क्या रहेंगे? सेम। तो इसका कॉन्सेप्ट है मोल रिमेन सेम। तो अब आप क्या करो, मोल निकाल लो। तो अगर आप इसमें मोल निकालोगे NaOH के, तो NaOH के मोल 21 ग्राम बताया जा रहा था डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गए मोल। तो इसका मतलब KOH के मोल्स भी यही 21 डिवाइडेड बाय 40 यही होंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100 ग्राम का सैंपल था और उसी में परसेंटेज पूछ लिया गया, तो यानी कि सैंपल 100 ग्राम का ही है, वो नहीं बदला। अगर वो बदल जाता तो अपने को मोल से मास निकालेंगे KOH का और फिर उस पर्टिकुलर मास में चेक करना होता। ओके, तो अभी KOH का मास कितना आया, अभी ज्यादा नहीं समझना है, सिंपल सिंपल समझो। जब भी ऐसा सवाल आएगा कि ये रिपोर्टिंग हुई तो ये गलत पाया गया तो ये था, तो ऐसे में मोल को क्या रखना है? कॉन्स्टेंट। मोल को क्या रखना है? सेम। तो पहले मोल निकाल लो NaOH के, 21 ग्राम था ना, तो 21 डिवाइडेड बाय 40, तो NaOH के जो मोल्स हैं वही KOH के मोल्स हैं। ओके, तो मोल लिख भी देता हूं मैं, मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KOH, यही हमारा
कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? तो अब 21/40 ये हमारे मोल हो गए, तो मास कितना हो गया? मास ऑफ क्यूएच, तो मास ऑफ क्यूएच कितना हो गया? 21/40 इंटू मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है? 39 + 1 = 40 + 16 = 56, तो ये 56। और ये जो भी आया ये 100 ग्राम सैंपल में ही आ रहा है, तो परसेंटेज अलग से निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई मत करना, 21 × 56 / 40 करो, ये कितना आ जाएगा जो आप लोग बोल रहे थे? 29.4%। ओके, जल्दी से नोट करिए, 29.4% इज करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 29.4%, यानी किस ऑप्शन पे टिक लगेगा? ए, ए इज द राइट आंसर, हमारा आंसर ए है। चलिए अब जल्दी जल्दी आप नोट करते जाइए, देख लीजिए सॉल्यूशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको भी रीड करेंगे आप लोग अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेवन, ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मोल कॉन्सेप्ट से आपको अब पूरा लगा लेना चाहिए, पूरा लगाओ बहुत अच्छा रहेगा। और जिसको क्वेश्चन सिंपल लग रहे हो वो लास्ट के 3 से 4 सवाल जरूर लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में आखिरी के 3-4 सवाल ही सबसे ज्यादा अच्छे सवाल हैं, और इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल अच्छे हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। 11th क्लास में आपको पूरा ही लगाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा आपसे, क्योंकि मैंने आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं की है, किसी को भी मैं बुक रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि वैसे ही अपने इंस्टीट्यूट में ही इतना सारा स्टडी मटेरियल मिलता है कि और कुछ लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो जितने भी अच्छे टाइप के सवाल हो सकते हैं वो सारे तो करा दिए जाते हैं या फिर आपको दे भी दिए जाते हैं असाइनमेंट DPP के फॉर्म में, है ना। और एक दो जो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन रखते हैं वो हम लोग रख लेते हैं, वो टेस्ट में भी डाल देते हैं, तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के उन्हीं लास्ट के 3-4 क्वेश्चनों में से है। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये भी थोड़ा बहुत इडियोमेट्री का है, लेकिन इसमें प्योर इडियोमेट्री यूज नहीं हुई, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन का यूज किया गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बताया गया, उसको आगे फर्दर आगे कहीं नहीं प्रोसीड कराया गया। अगर आगे कराते तो इस सवाल को हम यहां पर ड्रॉप कर देते हैं, फिर इसको इडियोमेट्री में अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। अभी ये सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन है, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न किया तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला? 3.38 ग्राम, और 0.690 ग्राम हमें क्या मिल गया? वाटर, एंड नो अदर बाय प्रोडक्ट, नो अदर प्रोडक्ट, ओके ठीक है। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मीजर्ड एट STP, कहां पर मीजर किया जा रहा है? STP पे। तो देखिए इससे वेल्डिंग फ्यूल गैस के मोल निकल आएंगे, 10 लीटर एट STP दिया हुआ है ना, तो इससे हमें मोल्स मिल जाएंगे फ्यूल गैस के। ओके, अब ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेग 11.6 ग्राम, ठीक है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास ऑफ द गैस एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी रेस्पेक्टिवली, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एनसीईआरटी में भी देखिए एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं, बल्कि मोल कॉन्सेप्ट में 3 से 4 सवाल अच्छे हैं, तो आपको वो जरूर लगाने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आपको वो क्वेश्चंस जरूर लगाने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कुछ आपको क्या करना है? ये सवाल आप ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, एनसीईआरटी का सवाल है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बस आपको हिंट करूंगा मैं। हिंट क्या है वो समझ लेते हैं।
एक वेल्डिंग फ्यूल गैस को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ तो कितना CO2 मिलता है 3.38, कितना वाटर मिलता है 0.690, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अगर एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल आया और किसी तरीके से कुछ हिंट मिल जाए मॉलिक्यूलर वेट के लिए या मोलर मास के लिए, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो तीसरी लाइन में बोला जा रहा है अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी, तो 10 लीटर एसटीपी क्यों लिखा है, मोल आ जाएगा। तो वॉल्यूम मुझे 10 लीटर दिया है डिवाइडेड बाय 22.7 कर दूंगा तो मोल आ जाएंगे गैस के। गैस के मोल पता है, गैस का मास पता है, तो गैस का क्या आ गया, मोलर मास। गैस का मोलर मास आ गया, और ऊपर वाले जो CO2 और वाटर है इससे इंपेरिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल वेट आ जाएगा, फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट कर देंगे n आ जाएगा, तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने में, तो वो दिक्कत मैं आपकी सॉल्व कर देता हूं। चलिए कैसे करेंगे वो समझाता हूं। एक हाइड्रोकार्बन है, तो आप मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोकार्बन है CXHY, हाइड्रोकार्बन गैस है, यही बोला गया था ना, वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो CXHY इसका कंबशन किया गया, इसको जलाया गया O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा CO2, और क्या बन जाएगा वॉटर। तो इसको जरा बैलेंस कीजिए, तो XCO2 हो गया और यहां हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट में, Y, तो यहां कितने होने चाहिए, Y, तो यहां पर कर दीजिए Y by 2, into 2 करेंगे तो Y हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब जरा ऑक्सीजन देखिए, तो ये तो हो गया 2X और ये हो गया Y by 2, तो इसका मतलब, और यहां पर भी होल ट्वाइस है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स प्लस वाई बाई 4। अब इसका जरा डबल कीजिए, ट्वाइस कीजिए, तो 2x प्लस y बाई 2, तो y बाई 2 ये आ गया, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। सवाल समझ में आ रहा है आपको, इक्वेशन ऐसे बना लेनी है। इवन किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे तो यही इक्वेशन बनेगी। ओके, अब देखिए यहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 3.38 और वाटर दिया हुआ है 0.690, 3.38 और 0.690, ये वाटर है, ये भी गैस है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन में ये बात पता थी कि अगर मैं यहां पर मुझे परसेंटेज वर्सेंटेज मिल जाए तो मैं सॉल्व कर दूंगा, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और ये शॉर्टकट तरीका है और अच्छा तरीका है, इससे भी आपको सीखना चाहिए। क्या मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में इंपेरिकल फॉर्मूला बताने के बाद, सजावट मेथड बताने के बाद आपको ये नहीं बताया था कि अपने को मोल रेशियो निकालना होता है? तो मोल रेशियो अगर आप निकाल लेंगे तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा ना। तो आप ये बताओ मुझे कि यहां पर एक्स CO2 है, यहां पर y बाई 2H2O है, मैंने आपको पहले ही बता दिया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है, CXHY। अगर आपको कोई x और y दे दे तो आंसर मिल गया ना। x और y कहां से आएगा, ये तो मास है, ये तो मास है, तो मोल भी आएगा कैसे, 3.38 डिवाइडेड बाय 44 होता है ना CO2 का मोलर मास, और 0.690 डिवाइडेड बाय 18 होता है वाटर का मोलर मास। तो बताओ x की वैल्यू नहीं आ गई 3.38 डिवाइडेड बाय 44 करने से कि कितने मोल हैं। और ठीक इसी तरीके से ये हो गया y बाई 2, अगर ये y बाई 2 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 0.690 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2 कर देना, y बाई 2 अगर इतना है तो। तो ये x और y आ गया, तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला तो मिल गया। अभी दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपको इंपेरिकल फॉर्मूला लाने का, पहले ये सॉल्व करो जल्दी से। x और y आ गया, x और y ऐसे निकल आएगा, g
जल्दी से बताओ मुझे x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में, x और y कितना आ रहा है। अरे वाह, आर्यन ने तो पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छे, गुड। तो आर्यन x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है जल्दी से बताइए मुझे। x और y कितना आ रहा है बेटा जल्दी से बताइए। अगर आपने सॉल्व किया है तब तो बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। x और y इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से निकल आएगा इंपेरिकल वेट, और फिर दूसरा काम अपने को क्या करना है इसके बाद। x और y का इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए x और y की वैल्यू क्या आ रही है। दूसरा काम अपने को करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर एट STP, तो मुझे मोल निकाल लेने हैं गैस के, तो गैस के मोल कितने हो जाएंगे 10/22.7, ये मोल्स आ जाएंगे। ओके, ये मोल्स आ जाएंगे, और W ऑफ गैस भी दिया हुआ है, तो W ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, गैस का वेट 11.6 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया मास अपॉन मोल 11.6 डिवाइडेड बाय 10/22.7, तो 22.7 यहां आ जाएगा, ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट। y की वैल्यू बता रहे हैं 0.76 और x की वैल्यू भी 0.76, बोथ आर सेम। ओके, तो ये 0.76 बताया जा रहा है और ये भी 0.76 बताया जा रहा है, यानी x और y का अगर मैं रेशियो निकालूं तो वो 1:1 है, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C1H1। तो ये इंपेरिकल वेट कितना हो गया 13, इंपेरिकल वेट कितना हो गया 13। अच्छा 0.076, भाई जरा कंफर्म कर लीजिए 0.076 है या 0.76 है, ये 0.076 है या 0.076 है। अगर दोनों सेम आ रहा है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अपने को ये कंफर्म कर लेना चाहिए। कई लोगों ने 0.76 बोला है और कुछ लोगों ने 0.07 या 0.76 भी बोला है, तो 0.076 बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको सही कर लेते हैं, हालांकि इससे अपने आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा इत्तफाक से, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो 0.076, तो भी CH ही आ रहा है, 13 हो गया एम्पेरिकल वेट। अब जल्दी से जरा ये बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 11.6 × 22.7 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1.16 × 22.7 मॉलिक्यूलर वेट। तो हम यहां से अब n निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना बना 22, ये तो इंपेरिकल वेट तो 13 हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 1.16 × 22.7। मैं कैलकुलेट करूं क्या, मैं कर लेता हूं, चलिए 1.16 × 22.7 ये आ रहा है 26.3, तो 26 ही रख देते हैं। अरे तो सिंपल है, 2 आ गया, ये सिंपली क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो n की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा C2H2, और मॉलिक्यूलर वेट, वो अपना मॉलिक्यूलर वेट कितना है 26 अप्रोक्स। चलिए जल्दी से चेक कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, 26.3 आ रहा है, बट उसको 26 ही बोल देंगे फिर राउंड ऑफ करके। ओके, अगर 0.5 से बड़ा होता तो फिर उसको कंसीडर करते और आगे राउंड ऑफ करते। n की वैल्यू 2 आ गई, बिल्कुल सही है,
समझ आया सभी को यह सवाल? क्वेश्चन समझ में आया आपको? प्रैक्टिस करते रहना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिस का ही तो पूरा खेल है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा परफॉर्मेंस, उतना अच्छा रिजल्ट, उतनी अच्छी रैंक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, 1 ग्राम ऑफ द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई बेसिक एसिड यील्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कितने ग्राम सिल्वर? इफ द वेट ऑफ सिल्वर का वेट अपने को गिवन है, फिर से 1 ग्राम सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक डाई बेसिक एसिड, ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं अभी। इफ द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन 8 टाइम्स, द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड 1/2 ऑफ द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एसिड। चलिए पढ़िए जल्दी से और देखिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, अगर हो तो बताइए। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, पिछले सवाल में मैंने कहा था कि आपको एक तरीका और बताऊंगा, एक मिनट जरा इसको रोक रहे हैं। जितने लोगों को पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से तो वो इस क्वेश्चन को आगे ट्राई कीजिए, और जिनको दूसरा मेथड भी समझना है, हालांकि सभी को समझना होगा, तो वो मैं दूसरा तरीका एक और आपको बता देता हूं जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे निकाला ये तो मैंने एक ही बार में इसको पूरा सॉल्व कर दिया, एक्स और वाई बता दिया। अदरवाइज कुछ लोग इसका सॉल्यूशन ऐसे भी समझाएंगे कि आपको कार्बन का परसेंटेज निकलवा के देंगे और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकलवा कर देंगे। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना होगा और उससे फिर वही टेबल जैसा सॉल्व हो जाता है पूरा, या मोल रेशियो में कन्वर्ट कर दें। तो अगर आपको ये जानना है कि कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे इस फ्यूल में CXHY में, तो वो भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जरा मैं आपको बता देता हूं, देखिए लिख लीजिए फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है? जिसका परसेंटेज पूछा जा रहा है उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वो एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जा रहा है उसका मोलर मास, CO2 में पाया जा रहा है तो 44, इनटू वेट ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या जो भी आपके पास कंपाउंड है, गैस है। ओके, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या गैस, जो भी, समझ में आ गया? ये तो आ गया फ्रैक्शन, इनटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज। अब आप खुद सोचिए इसमें कौन सी बड़ी चीज थी, आपको 11.6 ग्राम करके वेट दिया गया था सवाल में, ध्यान से समझिएगा, 11.6 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया गया था। क्या आप यूनिटरी मेथड से ये नहीं लिख सकते कि 11.6 ग्राम में 3.38 ग्राम है? देखिए फॉर्मूला कहां से बनाया मैंने, कोई अपने घर से थोड़ी ना लाया हूं। 11.6 ग्राम में समथिंग ग्राम, 0. जो भी था वो 0.36, वो वेट CO2 का था। तो अगर 11.46 ग्राम में अगर इतना है तो 1 में कितना होगा CO2, और फिर 100 में कितना होगा? ये तो बात हो गई CO2 की। अब CO2 को अगर हम देखें तो CO2 के एक मोल में कितने मोल एटम है? 1। तो CO2 44 ग्राम में कितना है? 12 ग्राम। क्योंकि मुझे CO2 का परसेंटेज नहीं बल्कि कार्बन का परसेंटेज लाना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में छिपा है CO2, तो 100 ग्राम में कितना हो गया? तो CO2 के बारे में जान गए परसेंटेज के फॉर्म में, और CO2 के अंदर 44 ग्राम में इतना है तो उस पर्टिकुलर में कितना होगा? तो 12/44 इनटू वेट ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 में कितना है, तो वो हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। क्या अभी आपको यह बात क्लियर हुई?
तो अब आप यहां पर CO2 का वेट क्वेश्चन में गिवन है वो डाल दीजिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट लगा दीजिए तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा आपका। ठीक इसी तरीके से आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। अब आप बताइए हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन एच के फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, हाइड्रोजन तो आपको गैस के फॉर्म में मिलेगा, तो 2 अपॉन हाइड्रोजन यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने से किस फॉर्म में मिली, तो वाटर के फॉर्म में अपॉन 18। वेट ऑफ H2O अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तो आ गया हमारा फ्रैक्शन में, और अगर परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100। तो इस तरीके से कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल आएगा तो उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये फॉर्मूला भी आपको जीओसी में मिल जाएगा, है ना, तो वहां पर अगर ऐसे सवाल होंगे तो आप ऐसे भी करोगे कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, समझ आया यहां तक कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब आ जाते हैं अपने पुराने सवाल पे जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन ये है 1 ग्राम ऑफ द सिल्वर सॉल्ट कितना है? 1 ग्राम। इस और ये सिल्वर सॉल्ट किसका है? ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड का। यील्ड अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और फिर वो कितना सिल्वर देता है? इतना सिल्वर देता है। इफ द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन 8 times द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज के बारे में कुछ दिया है, एंड हाफ ऑफ द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से सी एच और ओ में मास परसेंटेज में रिलेशन आ जाएगा, जब यहां पर मास परसेंटेज में रिलेशन हो जाएगा तो एटॉमिक मास से डिवाइड करके क्या आप मोल परसेंट का रेशियो निकाल लेंगे, तो इससे मोल रेशियो आ जाएगा, और उस मोल रेशियो की मदद से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसको होमवर्क में डाल देता हूं मैं, ज्यादा बेटर है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। ये रिलेशन बस सही से लगाइएगा, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज कार्बन 8 times द वेट परसेंटेज, यानी मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, है ना, तो हाइड्रोजन का 8 गुना ज्यादा है कार्बन में, एंड हाफ ऑफ द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें रिलेशन सही अगर आप बना ले गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस रिलेशन को सही बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो इसी की वजह से नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें सिंपल हैं, सॉल्व हो जाएंगी। ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको दे रखा है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाइबेसिक एसिड, और उससे सिल्वर दे रखा हुआ है, तो उससे आपको सिल्वर का सॉल्ट जो एजी से हटा हुआ पार्ट है, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना Ag2x, H2x नाम का ऑर्गेनिक एसिड मान लीजिए, और सिल्वर सॉल्ट क्या हो जाएगा? Ag2x, Ag2x से Ag इतना मिला तो अपने को x मिल जाएगा जो सॉल्ट वाला पार्ट है ना, और इसकी मदद से आगे निकालना है। नहीं होता है सॉल्व तो बताइएगा, फिर मैं इसको आगे करूंगा क्या, आप तो पीरियोडिक टेबल चलेगा तो मैं आपको ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया भी था, अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज है उसी से रिलेटेड कुछ उस टाइप का ही सवाल है। इफ ऑल 1 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया, भारत में 1 बिलियन जो पीपल हैं, अभी 1 बिलियन ही ले रहे हैं, ठीक है, वर पुट टू वर्क काउंटिंग द एटम्स इन अ मोल ऑफ गोल्ड, अच्छा गोल्ड एटम्स को काउंट करना है, इफ ईच पर्सन काउंट कुड काउंट 1 atom per second डे एंड नाइट, दिन और रात मिलाकर, एक साल में 365 दिन होते हैं, कोई लीप ईयर नहीं लेना है। ओके, पिछली बार जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो आप में से कुछ लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था कि अगर लीप ईयर होगा तो क्या करेंगे, तो लीप ईयर नहीं लेना है, इस बार क्लियरली मेंशन है। हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू फिनिश द काउंट,
अच्छा सवाल है, इसको भी करते हैं, हिंट बना के रख लेते हैं, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। हाँ अभी तो टाइम है ना, अभी तो क्वेश्चन और हो सकते हैं, तो जल्दी से बताइए क्या करा जाए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1 बिलियन यानी 10^9 पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको किस काम पे लगाया गया कि भाई तुम्हें गोल्ड के एटम गिनने हैं, गोल्ड के एटम गिनने हैं और अपनी जेब में नहीं रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये खास जरूरी है, सख्त हिदायत है, कैमरे वैमरे लगे हैं, तो गोल्ड के एटम गिनने हैं। इफ ईच पर्सन कुड काउंट 1 एटम पर सेकेंड, एक व्यक्ति 1 सेकेंड में 1 एटम को काउंट कर लेता है, ओके, तो काम कितने दिनों तक चलेगा, और दिन और रात की शिफ्ट सारी लगी है पूरे 1 साल के लिए, 1 साल में दिन और रात सबको मिलाकर 365 दिन होते हैं, तो आपको बताना है कि 1 बिलियन पीपल हैं, 1 गोल्ड एटम है, 1 मोल गोल्ड एटम है, तो आपको उसको काउंट करवाने में कितना टाइम लगेगा। अ मोल ऑफ गोल्ड ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई, 1 मोल AU गोल्ड है, तो इसका मतलब एनी गोल्ड के एटम्स हो गए, एनी गोल्ड के एटम्स हो गए, यानी कितने एटम हो गए, गोल्ड एटम हो गए 6.023 इंटू 10^23 एटम्स, इतने तो एटम है, ठीक है, और पीपल कितने हैं, 10^9 जितने लोगों से मुझे ये काम करवाना है, 10^9 पीपल है, ठीक है, अगर हर व्यक्ति एक एटम को 1 सेकेंड में गिनता है, अगर हर व्यक्ति 1 एटम को 1 सेकेंड में गिन लेता है, ओके, तो कितना टाइम लगेगा, कैसे सॉल्व किया जाए, जल्दी से बताइए। एक आदमी 1 सेकेंड में 1 एटम गिनता है, ठीक है ना, 1 एटम 1 सेकेंड काउंट लगता है, 1 एटम को 1 सेकेंड टाइम लगता है काउंट करने में, ठीक है, और ये एक आदमी काम करता है, तो अगर ये 10^9 पीपल ये काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10^9 पीपल, ये तो था फॉर 1 पीपल, लिखा हुआ है ना, ईच पर्सन, साफ साफ क्लियरली मेंशन है, तो 10^9 पीपल के लिए, 10^9 पीपल एक साथ 10^9 एटम को 10^9 सेकंड के लिए काउंट कर लेंगे 10^9 सेकंड में, तो ये टाइम कितना हो गया, ये टाइम हो गया 10^9 सेकंड, क्लियर है कि नहीं, बस अब सॉल्व है, 10^9 सेकंड टाइम कितना, 10^9 सेकंड, एटम कितने, 6.023 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 10^9, ये आ गया टाइम, किसमें आया ये टाइम, सेकंड में, डिवाइडेड बाय 60 मिनट, फिर से 60 आर, 24 डेज, 365 से डिवाइड करेंगे तो ईयर, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा ईयर्स में, ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, इस सवाल को जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ भी लीजिए आप लोग, अगर किसी स्टेप में किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, इसका आंसर 1.9 इंटू 10^7 ईयर्स आ रहा होगा, 1.9 इंटू 10^7 ईयर्स आ रहा होगा, ये सॉल्व करके कंफर्म करके बताइएगा, 1.9 इंटू 10^7 ईयर्स, एक बार चेक करिएगा और बताइएगा मुझे, आ रहा है ये आंसर,
क्या इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है? जल्दी से चेक करिए और बताइए मुझे। चलिए, हिमांक का भी आ गया, अंकित का भी आ गया। तो ये 9 क्वेश्चंस में कोई डाउट? टोटल 1 to 9 क्वेश्चंस में कोई डाउट? मोल कॉन्सेप्ट में आपने जितना पढ़ा, किसी टॉपिक में कोई डाउट? जल्दी से बताते जाइए। यस सर, नो डाउट। अच्छा, यस सर का मतलब क्या समझूं? अच्छा, यस सर का मतलब आ गया और नो डाउट का मतलब कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए। तो मोल कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस काफी है हमारी। और जो मैं एक दो डीपीपी आपको, एक डीपीपी और दूंगा, उसमें और इसी तरीके के और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखिए, प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतनी ही आपके लिए कम है। तो आपको प्रैक्टिस तो खूब करनी है। आपको कभी ये नहीं समझना है कि हाँ मैं 100% परफेक्ट हो गया हूँ, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम नहीं समझते तो आप क्यों समझेंगे? इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। मैं साफ बोलता हूँ, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। मुझे सिर्फ केमिस्ट्री IIT JEE नीट मेंस और एडवांस के सिलेबस में जितनी केमिस्ट्री यूज होती है, सिर्फ मुझे उतनी ही केमिस्ट्री आती है। अदरवाइज ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका कोई एंड नहीं है। ना जाने किस लेवल पे जाके रिसर्च चल रहा होगा। केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जो पूरा पूरा रिसर्च का सब्जेक्ट है। तो किस लेवल पे कहां तक रिसर्च चल रहा होगा, वो सारी बातें तो मुझे तक नहीं आती हैं, लेकिन मुझे अपने सिलेबस के अंदर की चीजें आती हैं। आपको भी यही काम करना है कि आपको अपने सिलेबस के अंदर, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में जितने भी टॉपिक हैं आपको उनको स्ट्रांग करना है, आपको उनके लिए पूरा अच्छे से समझ लेना है। अगर आप JEE मेन JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपको उतने को अच्छे से समझना है, उसमें अपने को परफेक्शन हासिल करनी है। अदरवाइज नोबडी इज परफेक्ट। ओके, तो इसी के साथ हम अपना आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं, आज का ये लेक्चर बाइंड अप करते हैं। अगले टर्न से चलेगा पीरियोडिक टेबल। ओके, तो पीरियोडिक टेबल आप लोग लर्न करने कैसे करेंगे ये भी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के भी आइएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। एक बार आपने पीरियोडिक टेबल 9th-10th में पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज भी कीजिएगा, तो आपको और इंटरेस्ट लगेगा सीखने में और आपको और भी ये सारी चीजें पता चलेंगी कि क्या हम अभी तक अधूरा पढ़ रहे थे और क्या हमें आगे का अब ये एक्चुअल में क्या पढ़ना है। ओके, तो इसी के साथ अपना आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।